नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में महज कुछ ही दिन शेष हैं और अब राजनीतिक दल जनता जनार्दन को अपने अपने घोषणा पत्रों के जरिए लुभाते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने गुरुवार को अपनी घोषणाओं का संकल्प पत्र जारी कर दिया था, तो अब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र नहले के तौर पर पेश करने की तैयारी में है। प्रदेश की जनता को भी अब कांग्रेस के घोषणा पत्र का बेसब्री से इंतजार है। भाजपा का घोषणा पत्र किसानों, बेटियों, महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित था। माना जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा के संकल्प पत्र के मुकाबले ऐसा घोषणा पत्र जारी करना चाह रही है जो न केवल भाजपा के संकल्प पत्र पर भारी पड़े बल्कि प्रदेश में एक नजीर पेश करे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को कांग्रेस के घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र 80% किसानों को समर्पित रहने वाला है। खबर तो यह भी है कि जहां भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों के लिए संचालित योजनाओं की राशि में इजाफे का वादा किया गया था, गेहूं खरीद पर एमएसपी के ऊपर बोनस का वादा किया गया था, ज्वार बाजरे की खरीद को एमएसपी में शामिल करने की बात कही गई थी, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने का वादा किया गया था, वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किसानों से जुड़ी तमाम योजनाओं को लेकर कानून बनाने का वादा करने जा रही है। खासतौर से एमएसपी का जो मुद्दा पूरे प्रदेश में वर्षों से किसानों के लिए हमेशा ज्वलंत रहा है, उसको लेकर कांग्रेस कानून लाने का वादा करने वाली है। इनमें किसानों के ऋण माफी से जुड़ी कई घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। बता दें कि गहलोत सरकार ने पिछले दो राज्य बजटों में भी किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान करके एक नई नजीर पेश की थी। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में ईआरसीपी को लेकर भी घोषणाएं होना निश्चित है। दरअसल कांग्रेस ने ईआरसीपी को इस बार चुनावी मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे पर भाजपा को कांग्रेस ने जमकर घेरा भी है। इसके लिए पार्टी इस परियोजना के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में जन जागरण यात्राएं भी कर चुकी है। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इस बड़ी परियोजना की केंद्र पर निर्भरता को हटाने वाली है, यानी इस ईआरसीपी परियोजना को पूरा करने का बीड़ा खुद कांग्रेस राज्य में उठाने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की इस मुद्दे पर घेराबंदी के बाद भाजपा ने ईआरसीपी के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया और समयबद्ध तरीके से काम कराने का वादा भी किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी घोषणा अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा जो हो सकती है वो है गिग वर्कर्स को लेकर, यानी ठेके पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक बड़ी घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने की पूरी संभावना है। एक अनुमान है कि राजस्थान में 4-5 लाख गिग वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रतिदिन लेन देन पर काम करते हैं। उन्हें उनके एग्रीगेटर से कोई सामाजिक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। प्रदेश में ज़्यादातर गिग वर्कर्स ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनी और सामान की जो डिलीवरी जैसे कार्यों से जुड़े हैं। इस घोषणा के जरिए चुनाव में कांग्रेस प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में गिग वर्कर्स के उत्थान के सिलसिले में कई घोषणाएं संभावित हैं। जानकारी के अनुसार गिग वर्कर्स के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू करने की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा गहलोत सरकार प्रदेश में गिग वर्कर्स एक्ट लागू पहले ही कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन घोषणाओं पर फोकस रहेगा इस बार जिन्हें वो सत्ता में आने के तुरंत बाद लागू कर सकेगी। बता दें कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद संभवतया फरवरी के आखिर या मार्च के पहले हफ्ते में राज्य बजट पेश किया जाना है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग, हर क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं शामिल की गई हैं। महिलाओं, युवाओं, किसानों पर केंद्रित इस घोषणा पत्र में कई ऐसे वर्गों को शामिल किया गया है जिन पर अभी तक सरकारों का ध्यान नहीं था। घोषणा पत्र करीब 60 पन्नों का बताया जा रहा है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मतदाताओं को रिझाने के लिए ढेर सारे लुभावने वादे किए हैं, तो भाजपा का संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब सभी की नजरें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर टिकी हुई है। कांग्रेस का यह घोषणा पत्र कब, कहां, कौन जारी करेगा, इसको लेकर भी जनता से क्या क्या वादे होंगे, भाजपा से तुलना में यह घोषणा पत्र कैसा रहेगा, इस बारे में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 20 नवंबर को जारी किया जाएगा। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस वार रूम से जारी करेंगे। हालांकि इस बारे में औपचारिक विस्तृत कार्यक्रम जारी होने का इंतजार है। खैर, चुनावी घोषणाएं तो राजनीतिक दल हर चुनाव में करते आए हैं, लेकिन इनमें पूरे कितने और किस स्तर तक हो पाते हैं यह गौर करने वाली बात है। लेकिन जनता को भी अब समझने की जरूरत है, क्योंकि मतदाता के तौर पर वे 5 सालों के लिए अपने उन अधिकारों की आहुति देने जा रहे हैं जिसके विश्वास पर उनके परिवार के सामाजिक और आर्थिक भविष्य के साथ ही मूलभूत जरूरतों का आधार टिका हुआ है। फिलहाल चुनावी चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।